हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टोरी टॉपर में आप लोग का बहुत बहुत। आज हम लोग क्लास 10 का क्या है, फिजिक्स कौन बुक है, फिजिक्स का चैप्टर 3 क्या है, मानव नेत्र वायुमंडलीय परिवर्तन 1 बी चैप्टर। यही चैप्टर क्या है, मानव नेत्र वायुमंडलीय परिवर्तन और 1 बी चैप्टर। तो हम लोग ने इसमें देखने वाले जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में जो टारगेट करेगा 100%, उसी क्वेश्चन को देखने वाले। आप इससे ना चैप्टर से ना जो चैप्टर 3 है ना फिजिक्स, उससे दो क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, दो नंबर ही। मतलब आपको 4 नंबर का बात है, एकदम फिक्स है कि 4 नंबर आएगा आप इससे। 4 नंबर जब दो क्वेश्चन, मतलब दो नंबरिया में बोल रहे हैं ना, 5 नंबरिया में अलग आता है वो अलग है। तो इससे दो दो क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 7-8 क्वेश्चन है और उससे ज्यादा क्वेश्चन है, तभी से कितना, दो क्वेश्चन आने वाला। तो 7-8 क्वेश्चन आप याद खुद से कर सकते हैं ना, बहुत देंगे उसको क्या कर याद करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा छोटा आंसर है इसका सभी का। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, मतलब दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर हो जाएगा, नेत्र से बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती बनाने की क्षमता खो देते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जो हमारा आंख है ना, जो हमारे आंख में क्या होता है, नेत्र जो होता है ना, नेत्र दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ है, रेटिना पर। जो हम लोग का किसी वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर सही से नहीं बन पाता, जिसके कारण हम क्या उस वस्तु को नहीं देख ले, इसलिए हमको आंख में क्या दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, इसलिए क्या उत्पन्न होता है, दृष्टि दोष। नेत्र बोला है, नेत्र से बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं का आसपास प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल रहा है कि यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ये मतलब निकट दृष्टि दोष, मतलब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। क्या आपका निकट दृष्टि दोष, क्या आपका निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए ना कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है। जो जिस वस्तु के पास निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो उसकी जो चश्मा में लेंस लगा तो कौन सा लेंस, उसी को बोला इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार करता है। तो बोला आंसर क्या, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष है वह दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। जिस नेत्र में ना निकट दृष्टि दोष होता है ना, वो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट में साफ साफ नहीं देख पाता है। तो मतलब जिस नेत्र में ना निकट दृष्टि दोष होता है ना, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख। देखिए निकट दृष्टि मतलब निकट के वस्तु के साथ जो दोष होता है ना, उसको देख लेगा। निकट दृष्टि दोष निकट के वस्तु को देख लेगा, निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट के वस्तु को देख लेगा लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाता। तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसाई लेंस। वहां पर बोल सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए अपसाई लेंस का भी उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस मतलब अपसाई लेंस, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अवतल लेंस क्या कहते हैं, अपसाई लेंस। तो अपसाई लेंस का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अवतल लेंस ही ना अपसारी होता है, उसको बोल सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसाई लेंस का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब दूर दृष्टि हम लोग पहले देखे नहीं करते, दूर दृष्टि मतलब दूर को वस्तु को स्पष्ट देख लेगा, निकट को वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या इसका आंसर क्या, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। मतलब जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इस दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्या कहता है उत्तल। देखिए अगर हमको निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, तो इसका मतलब मेरे पास क्या, दूर दृष्टि दोष हुआ, क्या है, दूर दृष्टि दोष हुआ। तो इसीलिए हम जब पढ़ नहीं पाते तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल। हमारे चश्मा जो उपयोग होता है ना, किसका होता है, उत्तल लेंस। अगर कोई व्यक्ति को पढ़ने में या छोटा अक्षर चिन्हने में नहीं आ रहा है ना, तो उसमें कौन सा दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष, मतलब निकट के वस्तु को नहीं देख पाए, इसलिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस है। किसका, उत्तल। देखिए इसको उत्तल लेंस मतलब दृष्टि दूर है तो उत्तल और निकट है तो अवतल, मतलब दो अक्षर तो तीन अक्षर, तीन अक्षर तो अच्छा। देखिए दूर है तो दूर में कितना, दो अक्षर, तो इसलिए कौन सा लेंगे, उत्तल लेंस, और निकट में तीन अक्षर कौन सा लेंगे, अवतल लेंस लेंगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस या उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसाई लेंस। उत्तल लेंस या अभिसाई लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिए आपको बहुत रिपीट करता है, आप जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको रिपीट। मतलब दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में जाके देख लीजिए आपको मिल जाएगा। अगला आपका, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। बोल रहा है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप
क्यों प्रतीत है, रक्त अपना लाल क्यों प्रतीत होता है, इसे भी बोल सकते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, देखिए क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट होता है। अभी 6 दा मतलब 2011 से 5 लीजिए, उसमें 6 दा आता है, क्वेश्चन बहुत चांस आने का, जो एग्जाम होने वाला इसमें क्वेश्चन आने वाला है आपको अच्छे तरह से, इसीलिए बोले कि इसे क्वेश्चन याद कर ले। 6-7 अभी क्वेश्चन है उसमें से ही आपको 2 आएगा, तो बहुत ईजी है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त आपके ऊपर देते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नील रंग को प्रकृत कर देता है। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक आता है उसमें मुख्यतः लाल रंग होता है, यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ना सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर अधिक दूरी तय करना पड़ता है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नील रंग को प्रकृत कर देता है। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंख तक आता है ना जो उसमें मुख्यतः लाल रंग होता है, यही कारण है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। नेत्र की संवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ा कर अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को संवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब नेत्र की संवर्धन क्षमता से आप क्या होता है, आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा या बढ़ाकर अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की जो क्षमता होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवर्धन क्षमता। संवर्धन क्षमता कहते हैं अपने नेत्र लेंस की जो होती है सिलियरी पेशी उसको तनाव को घटाकर या बढ़ाकर अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को हम लोग संवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए अगला है आपका, देखिए क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर क्या है, बहुत छोटा है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, उत्तर रहेगा प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करें। देखिए प्रकाश के ना विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य के प्रकाश जब स्क्रीन पर पड़ते हैं ना तो कितने 7 रंगों में विभक्त होते हैं, कितने होते हैं 7 रंग में, तो वही बोले प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या करते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो 7 रंग में विभक्त होता है ना किसी कारण होता है, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म पर पड़ता है सूर्य के प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश की ना प्रिज्म पर पड़ता है तो उस कितने रंग में 7 रंग में विभक्त होता है, याद रखिए सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है कितने रंग में तो 7 रंग, तो वही जो विभक्त हुआ ना तो उसी घटना को हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। आपका अगला नंबर है 7 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उत्तर दिया पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है, गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है, ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए तारे के प्रेक्षक तक पहुंचने वाली प्रकाशिकी ने वायुमंडल में तापमान घटने और बढ़ने के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्या होता है, देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है, गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है, ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है, क्या होता है ठंडी हवा के अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए ना तारे के जो प्रेक्षक तक पहुंचने वाली प्रकाशिकी ने वायुमंडल में तापमान घटने और बढ़ने का ना तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे तो पहले तो तारे बहुत दूर होते, पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होते हैं ना, इसलिए ना उसको अधिक ये भी क्या होता है आपको अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है इसको भी, तो बोला पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है, गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है, ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए तारे के प्रेक्षक तक पहुंचने वाली प्रकाश की किरणें को वायुमंडल में तापमान घटने और बढ़ने के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए आप वीडियो के जितना उतना शेयर करें, देखिए आपको जो भी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला उसमें बहुत, देखिए 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में आप जान लीजिए, आपको एक नंबरिया छोड़ के हम बोले 4 नंबर, ऐसे एक नंबरिया भी जो पढ़ाए ना उसे, देखिए एक नंबरिया कहाँ से, पूरा बुक्स जो भी टॉपिक होता है उसी से ना उठ के आता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडल का तारे टिमटिमाते हैं, आपका एक नंबरिया बना यही से बनता है एक नंबरिया, जो भी होता है ना सब्जेक्टिव से निकलता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए कहते हैं कि इसमें तो 4 नंबर यहाँ है, 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में बन जाए तो इसलिए 6-7 नंबर के बाद, इसलिए हम क्या करते हैं ना आप इसको वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर करके, दोस्तों के पास जो भी नहीं होगा नोट्स ना अब यहाँ से उतार के और अच्छे तरह से याद कर लेंगे या लिख लेंगे और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।